हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आर्यस अग्रवाल क्लास 6 चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन जो होता है इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इसमें क्या आता है? इक्वालिटी आता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 3, तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू का साइन होगा, इधर एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और इधर भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन ही होगा। मतलब इस तरह से भी हो सकता है 2x + 5 = 2x + 3, तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इससे हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल होता है और एक क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कॉन्स्टेंट वो होता है, तो ये है 5 है, ये कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या रहती है? तो हमें हमेशा जो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो किसी न किसी वेरिएबल के लिए सॉल्व करनी होती है। जैसे यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? x है। तो हमारे कोर्स में सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब जहाँ हमारे वेरिएबल की पावर 1 होगी, 1 का मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो जो भी इक्वेशन है जिसमें जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साइन की डिग्री 1 से ज़्यादा भी होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब आता है कि जो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू को हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन या रूट कहते हैं। यानी x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम जो सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे वो कहलाएगा रूट और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमें याद रखना है कि इक्वेशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो है आता है कि हम इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकालेंगे तो उसकी कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, अब इसको सीखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे वर्क करता है। इसको हम देखते हैं कैसे वर्क करता है ट्रायल एंड एरर। देखते हैं हमने कोई भी क्वेश्चन ले ली, जैसे 2x + 3 = 7 ले लिया, और हमने क्या किया कि ट्रायल एंड एरर के तहत x की कोई वैल्यू ट्राई की। जैसे हमने x = 0 रखा, 0 रखने पर हमारी LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? 2 × 0 + 3, यानी कि 0 + 3 = 3, और राइट हैंड साइड जो आ रही वो कितनी आ रही है? 7। इसका मतलब 7 होती है अभी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इक्वल नहीं है। फिर हमने x की वैल्यू 1 ट्राई की, 2 × 1 + 3, x की जगह पर क्या होता है? 1, 2 बचा 2 और 3 कितना आया? 5 आया, और इधर क्या आया? 7, तो बराबर नहीं आया। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 × 2 + 3, 2 × 4, 4 + 3 कितना आ गया? 7, और इधर भी 7, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इस तरह से x = 2 हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया इक्वेशन। x = 2 इज द सोल्यूशन, ये हमें देखना है बस। केवल इस तरह से हमने ट्राई करते गए, x के मान को ट्राई करते गए। इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगा जो ध्यान रखनी है, वो ये है, जैसे मैं इस पास 0 रखा तो यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ पे 7, गैप कितने का है? 4 का। यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ 5 आया, 7 गैप कम हो गया है ना, और फिर यहाँ 2 रखा तो गैप बराबर ही हो गया, 0 ही हो गया गैप। तो हमें गैप हमेशा क्या करना है? LHS और RHS का गैप कम करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि 0 से 1 की तरफ चलने पे गैप हमारा बढ़ रहा है LHS RHS का, तो हम उल्टा चलना शुरू कर देंगे, 0 से हम -1 की तरफ चलेंगे या -2 की तरफ चलेंगे, उल्टा जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमें वैल्यू माइनस में ट्राई करनी है। जैसे इक्वेशन है उसमें आप चल के देख लीजिएगा, सबसे पहले 0 रखिएगा, 0 रखने पर दोनों को कंपेयर करना, 3 और 7 में गैप आएगा 4 का, फिर हमें 1 रखा तो 1 पे जो है
हमारा 5 में से भी 2 का गैप आ रहा है, तो मतलब 4 से 2 पे आ गया, इनके मार्क कम हो गया, इसका मतलब हमारी दिशा क्या है, सही है। अगर गैप बढ़ जाता है तो हमें दिशा उल्टी करनी पड़ेगी, 0 से अगली जो स्टेट है वो 1 बन के रखे रहेंगे, -1 -2 उल्टा चलना शुरू कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है ट्रायल एंड एरर मेथड में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A, उसको कंसीडर करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक्सरसाइज 9A को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 9A में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। तो पहला स्टेटमेंट है 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स टू 40। तो नंबर का मतलब अननोन वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स। तो जैसे 9A का अगर हम पहला क्वेश्चन ट्राई करें, एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में लिखा है कि 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर equals 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिखेंगे let the number is x, जो नंबर हमें चाहिए उसको हमने क्या मान लिया, x, number is x, according to problem 5 times, times का मतलब multiply, मतलब into लगा देंगे, ये नंबर कितना x इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन है। इस तरह से इक्वेशन बनानी है, बाकी लैंग्वेजेस भी हैं इसमें आप बना सकते हैं ऐसे करके, जहाँ भी टाइम्स आएगा वहाँ मल्टीप्लाई करनी है। इंक्रीज का मतलब हमें प्लस करना है, डिक्रीज का मतलब हमें माइनस करना है, लेस का मतलब ही हमें माइनस करना, मोर माने क्या होता है, प्लस करना है। इस तरह अगर कहीं डिवाइड पर वही आ रहा तो हम डिवाइड कर देंगे, तो जैसा स्टेटमेंट लिखा होगा उसी हिसाब से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरह से बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 2 में राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी गई स्टेटमेंट हमें उल्टा वर्क करना है, क्योंकि इक्वेशन दी गई स्टेटमेंट बनाना है। देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, x माइनस 7 इक्वल टू 40। अब हमें इसका क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या स्टेटमेंट आएगा, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 40। ये हमारे क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसे ही बस हमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है। हिंदी में समझे, 7 हटाया गया x में से तो 14 आता है, x में से 7 हटाने पर 14 आता है, दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x इज 14। तो इस तरह से बाकी इसके जो इक्वेशंस हैं उनके स्टेटमेंट बना लेंगे। और तीसरे में वेरीफाई बाई सब्स्टिट्यूशन, ये भी समझ लीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इक्वेशन दी गई हुई, जैसे मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, 3x - 5 इक्वल टू 7, इसको मैं ले रहा हूँ, और उसमें आगे लिखा है x इक्वल टू 1, इसको वेरीफाई करना कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 × 4 - 5 इक्वल टू क्या है, 7, 12 - 5 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू क्या आ गया, 7 इक्वल आ गया, देन इट इज वेरीफाइड, ये सही है, इसका ये सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आया नॉट वेरीफाइड लीजिएगा। तो इस तरह से आपको वर्क करना है तीसरे क्वेश्चन का। और चौथा क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर, तो मैं ट्रायल एंड एरर का आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरह से आपको बनानी है टेबल। तो उस तरह से टेबल बना के आप ट्रायल एरर मेथड से ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गई, इसके बचे हुए पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, और जो है उसके बाद हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 9B कंसीडर करेंगे। थैंक यू।